साथियों, आयुष्मान भारत योजना को भी यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए, इसको फुल प्रूफ बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं और मुझे बताया गया है कि इससे जुड़े आईटी सिस्टम को पीएम जय 2.0 के रूप में अपग्रेड किया गया है और इसमें निरंतर सुधार किया जा रहा है। आज जो ऐप लॉन्च किया गया है उससे लाभार्थियों को बहुत मदद मिलने वाली है, लेकिन साथियों, इस योजना को अधिक सक्षम, अधिक व्यापक बनाने के लिए हमें अभी और तकनीकी समाधानों की जरूरत है। आयुष्मान भारत के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं को आपस में जोड़ने के लिए एक प्रभावी और सुगम सिस्टम की जरूरत है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से लेकर बड़े अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर तक डायग्नोसिस, रेफरल और फॉलोअप केयर का एक तकनीकी आधारित सिस्टम हमें विकसित करना है। हमें उस स्थिति की तरफ बढ़ना है जहां गांव के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में दर्ज किसी भी व्यक्ति का हेल्थ डेटा उस व्यक्ति की बीमारी के डायग्नोसिस में काम आए। यही डेटा बड़े अस्पताल के लिए रेफर करने पर आगे के इलाज में प्रभावी भूमिका निभा सके, इसके लिए हम सबको सोचना होगा, नई पीढ़ी के लोगों को जोड़ना होगा। साथियों, इसके लिए आज लॉन्च किया गया पीएम जय स्टार्टअप ग्रांड चैलेंज अहम भूमिका निभाने वाला है और मैं देश की युवा शक्ति को, खास करके आईटी प्रोफेशनल से आग्रह करूंगा कि ये मानवता का काम है, इस चैलेंज को आप ही उठा लीजिए और आने वाले समय में आप एक उत्तम सॉल्यूशन लेकर के आइए। इसके माध्यम से देश भर में हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले स्टार्टअप्स को आयुष्मान भारत से जोड़ा जा रहा है। मैं देश के सभी युवा एंटरप्रेन्योर्स को, इनोवेटर्स को इस अवसर का लाभ उठाने के लिए फिर से एक बार आमंत्रित करता हूं।